विद्यालय संचालन के समय अचानक हड़कंप मच गया क्योंकि विद्यालय की जमीन धस गई। कक्षा में बैठे बच्चों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच पड़ताल की और मौका मुआयना कर मीडिया को सिर्फ मिट्टी धसने की जानकारी दी और बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्यामा गेट स्थित कन्या विद्यापीठ में विद्यालय संचालन के दौरान चीख पुकार मच गई। ये घटना सुबह 10:30 बजे की है। इस दौरान विद्यालय में भोजन अवकाश चल रहा था। जानकारी मिली कि कन्या विद्यापीठ विद्यालय में कक्षा 6 के निकट अचानक काफी जमीन धस गई जिससे विद्यालय में चीख पुकार मच गई और छात्रों व विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुन मौके पर बहुत भीड़ एकत्रित हो गई और विद्यालय व विद्यालय के भवन को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। विद्यालय व विद्यालय के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित थी और लोग तरह तरह की चर्चाएं करते पाए गए। हमारे सहयोगी ने विद्यालय प्रशासन व छात्राओं से वार्ता करने का प्रयास किया परंतु विद्यालय प्रशासन ने ना तो खुद कुछ बताया और ना ही किसी छात्रा को कुछ बताने दिया। तो मिली जानकारी में बस इतना ही कि कन्या विद्यालय में मध्यान्ह भोजन अवकाश के दौरान कक्षा 6 के निकट अचानक जमीन धस और यह तो ईश्वर की कृपा रही कि उस समय मध्यान्ह भोजन अवकाश था इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर एसडीएम कायमगंज रविंद्र कुमार, सीओ कायमगंज जयसिंह परिहार, प्रभारी निरीक्षक राम अवतार, कस्बा चौकी इंचार्ज विद्यासागर तिवारी आदि दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। मौका मुआयना कर एसडीएम कायमगंज ने बताया कि विद्यालय के भीतर कक्षा 6 के पास जमीन धस गई है परंतु किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। एसडीएम ने यह भी बताया कि उक्त कॉलेज की इमारत काफी पुरानी है जिसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज कार्रवाई की जाएगी और अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम ने बताया अभी हमें सूचना मिली थी आधे घंटे पहले कि कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज वही बाजार में एक फर्श धसने की वजह से कोई बच्चा उसके अंदर जो है चला गया। हमने यहाँ पर मौके पर आया, हमने देखा कि विद्यालय का फर्श धस गया था पर किसी प्रकार से किसी बच्चे के हताहत होने की कोई अभी सूचना नहीं मिली है। ना जो है हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी या सभी बच्चे पूरी तरह। आपको बता दें कि एकत्रित भीड़ में एकमात्र यही चर्चा थी कि विद्यालय भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में है और किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा होने की चिंता हमेशा सताती रहती है। लोग कहते हुए पाए गए कि ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे की खबर सुनते ही छात्राओं के अभिभावक भागे भागे विद्यालय पहुंचे और अपने अपने बच्चों को खोजने में लग गए। आपको बताते चलें कि विद्यालय में 1093 छात्राएं हैं और आज की उपस्थिति में 590 छात्राएं मौजूद थी। एसडीएम ने विद्यालय प्रशासन से विद्यालय की मान्यता के संबंध में प्रपत्र लिए। तो वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य विश्व मोहिनी पांडे ने बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों व प्रबंधकों को पत्र द्वारा सूचित कर दिया था कि विद्यालय जर्जर अवस्था में है, भवन की दीवारें चटकी हुई हैं और अधिक जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चे बिल्डिंग शिफ्ट की जाएगी, बच्चे कहाँ बैठेंगे, बच्चों को कहाँ बुलाए, तब तक के लिए हम निश्चित तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को सूचना दे करके इसके लिए हम अगला उनका दिशा निर्देश देंगे कि अगला हमें क्या करना और जैसा वो आदेशित करेंगे वैसा।